चयनित शिक्षकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। इसमें मांग की गई है कि 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई थी तथा 2019 में परीक्षा हुई थी, रिजल्ट भी इसी वर्ष आया था और अभी तक लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी हमारे नियुक्ति नहीं हो पाए। हमारे दस्तावेज सत्यापन होना था तथा कुछ लोगों का प्रस्ताव सत्यापन हो भी गया है, परंतु फिर भी वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र में कोई भी कदम नहीं उठाया है। मैं और हमारी टीम चेन्नई शिक्षक संघ रतलाम द्वारा ये मांग की गई है, क्यों हमारी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करें तथा रतलाम टीम द्वारा कल दिनांक 5 फरवरी 2021 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना निश्चित किया गया है। जो हम लोग रतलाम के ग्रुप के चयनित शिक्षक हैं और अभी सीएम साहब आए थे, सीएम साहब का दौरा था रतलाम में, तो हम लोगों ने उनकी गाड़ी को यहाँ रोका कालका माता के मंदिर के यहाँ पर, और हमने मतलब सारी टीम ने उनको मिलकर जो हमारा ज्ञापन था भर्ती कराने के लिए कि सीएम साहब आप हमारी भर्ती करवाइए जल्दी से, ये ज्ञापन उनके हाथ में देकर और उनसे रिक्वेस्ट करी, और ये प्रोग्राम हमारा 101% सक्सेस रहा। उसके अलावा यहाँ पर हमको और भी लोग मिले जिन्होंने कहा कि आगे वो हमारा मतलब हमारी इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, और हमारी टीम जो हमारी रतलाम की जो टीम है उसके लिए आगे भी कोशिश करेगी, और जो हमले जो सीआईडी साहब थे और जो यहाँ का जो मंच था उन लोगों ने भी बोला है कि वो आगे हमारी मदद करेंगे, तो हम उनके पास भी आगे कोशिश के लिए जाएंगे। लेकिन ये मैसेज इसलिए मैं मतलब जो वीडियो बना रही हूँ ये इसलिए कि भी आप लोग को ये सूचना मिल जाए कि जो रतलाम टीम का जो आज का जो प्रोग्राम था सीएम साहब का वो 101% सक्सेस रहा है और हम लोग इस चीज़ में सफल हुए हैं कि उनको हमने ज्ञापन दिया है और हमारी बात उन तक पहुँचाई है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन